इस साइंटिफिक युग में जहां अलौकिक शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है और जहां साइंस के पास हर एक सवाल का जवाब है, वहीं कुछ ऐसे भी रहस्य और सवाल है जिनके जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसा ही एक सवाल है बरमूडा ट्रायंगल का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां जाने वाला व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। माना कि ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी ये प्रकृति का एक भयानक सच है, क्योंकि अगर वाकई में कोई इस जगह से लौट कर नहीं आता तो आखिर कैसे वहां से सच का सबूत लाया जाए। आज इस एपिसोड में हम जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े रहस्यों के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर वो कौन सी घटनाएं हैं जिसकी वजह से इसे एक रहस्यमय जगह कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस यहां लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर समुद्री जहाज और हवाई जहाजों के रहस्यमय रूप से लापता होने की घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी भी जगह का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई जगह मौजूद नहीं है तो आखिर जहाज इसकी सीमा में आते ही कहां लापता हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के तीन बिंदु हैं, बरमूडा द्वीप, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का मियामी शहर और प्लूटो रिको राज्य का सान जुआन टापू। इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में गिने जाने वाले बरमूडा ट्रायंगल को लोग शैतानों का टापू और जहन्नुम का दरवाजा भी कहते हैं। लोगों का यह कहना है कि यह जगह शापित है और इस समुद्र के अंदर एक शैतान रहता है जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। दूसरी ओर इस रहस्य का हल ढूंढ रहे लोग ये कहते हैं कि इस जगह पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यहाँ से जाने वाले जहाज इसमें खींचे चले जाते हैं और फिर उनका रेडार सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण पायलट्स भटक जाते हैं और फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस एरिया में मिथेन गैस का प्रचंड भंडार है, जिसके कारण वहाँ काफी मात्रा में विस्फोट होते रहते हैं, जो कि पानी की कमी में घनत्व करता है, जिससे कि जहाज आदि उसमें समा जाते हैं और यहाँ से निकलने वाली गैस हवाई जहाजों को अपनी चपेट में ले लेती हैं। बरमूडा ट्रायंगल पर सबसे पहली घटना 5 सितंबर 1945 को घटित हुई, जो अगर ना हुई होती तो शायद हमें बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यमय जगह के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। हुआ यूं कि 5 सितंबर 1945 को अमरीकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो विमान ने अपनी रोज की ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी। उन्हें 120 मील की दूरी तय कर वापस आना था। जहां से उन्हें गुजरना था वो बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते में आता था। पांचों पायलट ने उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद कंट्रोल रूम के मुख्य पायलट को यह संदेश दिया कि वह कहीं खो गए हैं और उनका कंपास काम नहीं कर रहा, और उसके कुछ समय बाद ही उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। जैसे ही कंट्रोल रूम को इस खबर के बारे में पता चला, उन्होंने PBM-5 वायुयानों को भेजकर उन्हें खोजने की तैयारी शुरू कर दी। इनमें से एक तो उड़ान भरते समय ही विस्फोट कर गया और दूसरा उन 5 जहाजों को नहीं खोज पाया। इसके बाद इनके साथ एक मैरिनर फ्लाइट बोट को भी खोज के लिए भेजा गया, जो उड़ने के साथ समुद्र में तैर भी सकती थी, पर उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही ये हवा में ही विस्फोट कर गया और इसका कोई भी अंश नहीं मिला। इसकी जानकारी तब हुई जब समुद्र में तैर रहे जहाजों को आसमान में शाम 7:50 पर एक धमाका दिखा। पांचों हवाई जहाजों की गुमसुदगी के एक दिन बाद एक और महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि उन जहाजों के पास एक और जहाज उड़ रही थी, इसे रॉबर्ट कॉक्स चला रहे थे। उन्हें भी संकट में फंसे जहाजों का संदेश प्राप्त हुआ था। रॉबर्ट कॉक्स ने बताया कि वे किसी छोटे से द्वीप के ऊपर उड़ रहे थे। उन्हें वहां उसके अतिरिक्त और कोई भूमि नजर नहीं आई। बाद में हादसे की जांच से यह पता चला कि पायलट अपने रूट पर नहीं थे, क्योंकि वो अगर अपने तय रास्ते पर होते तो वहां उन्हें एक नहीं बल्कि कई द्वीप देखने को मिलते। इस घटना के बाद उन पायलट्स और टॉर्पीडो जहाजों का कुछ पता नहीं चल पाया और ना ही उन पायलट्स की लाशें मिली और ना ही उस जहाज का कोई मलबा मिल पाया। इसी घटना के बाद इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से कहा जाने लगा। इसके बाद भी कई रहस्यमय घटनाएं इस स्थान पर घटित हुई। किसी का कहना है कि जहाजों को एलियंस ने पकड़ लिया, तो कोई कहता है उन तट पर पुरानी अटलांटा सभ्यता की मशीनें काम कर रही हैं, जो कि विमानों को नष्ट करने वाली तरंगें छोड़ती हैं।
जब तक इस जगह की असलियत का पता नहीं चलेगा तब तक ऐसी ही कहानियां बनती रहेंगी।